नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सूरज कुमार यूपी एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फल व सब्जियों में रंग व स्वाद का कारण या अवयव को बताने के लिए आया हूं कि फलों या सब्जियों में उनके रंग का कारण क्या होता है, उनमें स्वाद का कारण क्या होता है। तो आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पहला है मिर्च। मिर्च में तीखापन का कारण क्या होता है? मिर्च में तीखापन का कारण केप्सेसिन होता है। केप्सेसिन, आप लोग जैसे मिर्च खाते हैं तो कैसे करते हैं, करते हैं ना, तो देखिए इसके लास्ट में सिन आ रहा है तो हो गया केप्सेसिन। अगला है मिर्च में लाल रंग। मिर्च में लाल रंग केप्सेथिन के कारण होता है। नेक्स्ट, मिर्च में औषधीय तत्व। एग्जाम में पूछ लेता है कि मिर्च में कौन सा औषधीय तत्व पाया जाता है, तो मिर्च में जो औषधीय तत्व पाया जाता है वो रूटीन होता है। आप लोग टमाटर तो देखे ही हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। अगला है टमाटर में पीला रंग। टमाटर में पीले रंग कैरोटीन के कारण होता है। अगला गाजर में पीला रंग। गाजर में पीला रंग किस कारण से होता है? गाजर में पीला रंग भी कैरोटीन के कारण ही होता है। इसके बाद है गाजर में गुलाबी रंग। गाजर में गुलाबी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। आप लोग इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। मिर्च में तीखापन केप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग केप्सेथिन के कारण होता है। मिर्च में जो औषधीय तत्व पाया जाता है वह रूटीन होता है। और टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर में पीला व गुलाबी रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और गाजर में पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में जो गुलाबी रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको आगे याद करने में आसानी हो।
अगला है, प्याज में तीखापन का कारण क्या होता है? प्याज में तीखापन का कारण एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड होता है। प्याज में तीखापन का कारण एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड होता है, जिसके कारण प्याज तीखी होती है। और प्याज में पीला रंग का कारण क्या होता है? प्याज में पीला रंग का कारण क्वेरसिटिन होता है। क्वेरसिटिन जो प्याज देखते होंगे, प्याज पीली होती है ना, तो क्वेरसिटिन के कारण प्याज पीली होती है। प्याज में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है प्याज में कैंसर रोधी तत्व कौन सा होता है, तो प्याज में जो कैंसर रोधी तत्व होता है वो कैटकोल होता है। लहसुन में तीखापन का कारण क्या होता है? लहसुन में तीखापन का कारण डाई सल्फाइड होता है। अगला है, बैगन में कड़वाहट क्यों होती है? तो बैगन में कड़वाहट ग्लाइकोलाइड्स के कारण होती है। फिर है, हल्दी में पीला रंग क्यों होता है? हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। इसका एक बार रिवीजन कर ले। प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है, और प्याज में पीला रंग क्वेरसिटिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, और प्याज में जो कैंसर रोधी तत्व तो पाया जाता है वह कैटकोल होता है। लहसुन में तीखापन डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है, और बैगन में कड़वाहट ग्लाइकोलाइड्स के कारण होती है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पत्ता गोभी में तीखापन का कारण क्या होता है, आप लोग बताइए।
पत्ता गोभी में तीखापन का कारण थिन ग्रीन होता है। थिन ग्रीन के कारण पत्ता गोभी तीखी होती है। आलू में हरापन हरा रंग का कारण क्या होता है? आप लोग देखे होंगे जब आलू का कंद मैदा से बाहर हो जाता है तो उसमें जो है हरे रंग का जमा हो जाता है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण कोलेजन होता है। कोलेजन के कारण जो है आलू हरी हो जाती है। और कोलेजन बनने का कारण यही है कि जब आलू का कंद मृदा से बाहर आ जाता है तो सूर्य की जब किरणें उसमें पड़ती हैं तो उसमें हरे रंग का जमाव हो जाता है। कद्दू वर्गी सब्जियों में करवाहट का कारण क्या होता है? तो कद्दू वर्गी सब्जियां किस परिवार से संबंधित होती हैं? कुकरबिटेसी परिवार से, और उसमें जो करवाहट का कारण कुकरबिटेसिन होता है। कुकरबिटेसिन के कारण कद्दू वर्गीय सब्जियां कड़वी होती हैं। तरबूज या कद्दू में हानिकारक तत्व कौन सा होता है? तो कद्दू एवं तरबूज में हानिकारक तत्व सेरोटोनिन होता है। करेले में करवाहट, करेला सभी लोग खाते होंगे, उसमें करवाहट क्यों होती है? उसमें करवाहट मिमोडिकोसाइट के कारण होती है। करेला कड़वा होता है। अगला है सौंफ में सुगंध। सौंफ में सुगंध का कारण क्या होता है? तो सौंफ में सुगंध का कारण फेनक्रोन होता है। फेनक्रोन में सुगंध फेनक्रोन के कारण होती है, फेनक्रोन के कारण होती है। और मेथी के दानों में कड़वाहट क्यों होती है? तो मेथी के दानों में कड़वाहट ओलियोरेसिन के कारण होती है। एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। पत्ता गोभी में तीखापन सिलग्रीन के कारण होता है। आलू में हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। और कद्दू वर्गी सब्जियों में करवाहट कुकरबिटेसिन के कारण होता है। तरबूज व कद्दू में हानिकारक तत्व जो पाया जाता है वो सेरोटोनिन होता है। और करेले में करवाहट मिमोडिकोसाइट के कारण होता है। फेनक्रोन के कारण होती है। और मेथी के दानों में जो कड़वाहट होती है वह ओलियोरेसिन के कारण
होती है ओलियो रेजिन के कारण मेथी का दाना कड़वा होता है। इसका एक ही शॉट ले लीजिए। अगला है पीला रंग। पपीता में पीला रंग क्यों होता है आप बताइए। पपीता में पीला रंग कैरिका जैंथिन। वर्णक के कारण होता है। इसके बाद है पपीता या अमरूद के गूदे का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो पपीता या अमरूद के गूदे का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। इसके बाद है पपीते का पीला रंग। इसके बाद है अमरूद का पीला रंग। अमरूद का पीला रंग किस कारण से होता है। तो अमरूद का पीला रंग जैंथोफिल वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट है सेब का लाल रंग। सेब का लाल रंग किस कारण से होता है। तो सेब का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण सेब लाल होता है। अगला है फलों व सब्जियों का हरा रंग किस कारण से होता है। तो फलों व सब्जियों का हरा रंग क्लोरोफिल पिगमेंट या वर्णक के कारण होता है। अंतिम है बेल में तीखापन किसके कारण होता है। बेल में तीखापन मार्मेलोप्सिन के कारण होता है। एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। पपीते में पीला रंग कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण होता है और पपीता या सेब के गूदे का लाल रंग लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। अमरूद का पीला रंग जैंथोफिल वर्णक के कारण होता है और सेब का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। फलों व सब्जियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। बेल में तीखापन मार्मेलोप्सिन के कारण होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों ये फल व सब्जियों में रंग व स्वाद का टॉपिक आपके परीक्षाएं चाहे जो भी हों सब में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा जिससे कि आप इसे हल करके आए। और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।